दोस्तों, जानवरों के उल्टे सीधे कारनामे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उनको देखकर आपके चेहरे पर भी हंसी आई जाएगी, क्योंकि इन सभी वीडियोस में आपको जानवर कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए दिखाई पड़ेंगे जिनको देखकर आप भी यही बोलोगे, अरे वाह भाई। खैर, वक्त को जाया ना करते हुए जल्दी से शुरू करते आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, पांडा कितने शरारती होते हैं इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। जहां पर एक पांडा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तभी इसका दोस्त इसके पैर के ऊपर धक्का मारता है और बेचारे को नीचे गिरा देता है। इसके दोस्त की हरकत को देखकर ये पांडा भी यही कह रहा होगा, भगवान ऐसा दोस्त किसी को न दे। दोस्तों, यह हाथी भी जॉन सीना का फैन बनते हुए इस कंबल को अपनी सूंड से उठाकर अपने चेहरे के ऊपर ओढ़ लेता है, जिसकी वजह से ये मात्र कुछ ही दूर चलने के बाद धराशायी हो जाता है और अपना मुंह तुड़वाने के साथ साथ अपने हाथ पैर भी तुड़वा बैठता है। अरे वाह भाई हाथी, तुझे ऐसी क्या चुन मची थी जिसकी वजह से तूने इस कंबल से बेवजह पंगा लिया और अपना ही पोपट करवा लिया। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जरा इन कुत्तों की लड़ाई को भी देख लीजिए। जहाँ पर ये कुत्ता इस दूसरे वाले कुत्ते को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो वही एक और कुत्ता इसको बार बार यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। बोल प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, अब बोल कटरीना कैफ जिंदाबाद, कटरीना कैफ जिंदाबाद, चल अब बोल सनी लियोन मुर्दाबाद। बाबू चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये, पकड़ मेरे। वैसे दोस्ती हो तो ऐसी, जहाँ पर कुछ कुत्ते लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब एक कुत्ते का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है, तभी यहाँ पर सामने वाले कुत्ते का साथ आ जाता है और अपने पहिए वाली गाड़ी के साथ ही उसके ऊपर जोरदार टक्कर मारता है, जिसके बाद इन कुत्तों की सारी लड़ाई खत्म हो जाती है और सभी यहाँ से गोली हो जाते हैं। खैर दोस्तों, अब तक तो आपने जानवरों की हरकतें देखी, लेकिन जरा अब रुकिए और इस वीडियो को देखिए, जहां पर ये लड़का काफी देर से इन कुत्तों के सामने कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर ये दोनों कुत्ते भी काफी ज्यादा हैरान है। दरअसल यहां पर ये आदमी इन कुत्तों की आवाज निकाल रहा है, जिसे देखकर ये दोनों कुत्ते भी हैरत में पड़े हुए हैं। जरा आप एक बार खुद भी देखिए। इस वीडियो के अंदर ये तीन बिल्लियां इस जमी हुई झील के ऊपर चल रही है और इस दौरान इनमें से एक बिल्ली बर्फ के टूटने की वजह से पानी के अंदर गिर जाती है और जल्दी जल्दी बाहर आती है, लेकिन इसको देखकर एक और बिल्ली खौफ में आ जाती है और धीरे धीरे करके यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। हालांकि ये काफी ज्यादा सावधानी बरतती है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फ टूट ही जाती है और ये पानी के अंदर गिर जाती है। हालांकि बाद में ये भी जल्दी जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन जो ही बाहर निकलती है तो तेजी से यहाँ से भाग जाती है। खैर, जब बिल्ली की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर ये बिल्ली काफी देर से इस पोल के ऊपर चढ़ी हुई थी, जिसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इसको नीचे उतारने की कोशिशें करने लगती है, लेकिन ये बिल्ली तो खुद ब खुद ही यहाँ से उतरकर भाग जाती है, जिसके बाद ये रेस्क्यू टीम भी यही कह रही होगी, अरे भाई मुझे क्यों मेहनत करवाया जब खुद ही नीचे उतरना था। तो ये मुर्गा भी शायद अपने आप को बतख समझने की भूल कर बैठा होगा और इसी वजह से ये पानी के अंदर चला गया था, लेकिन ये जल्दी बाहर भी आ गया क्योंकि इसको अपनी भूल का एहसास हो गया था, क्योंकि बेचारे को इस बारे में जानकारी हो गई कि अगर ये ज्यादा देर पानी में रहा तो इसकी नौका डूब जाएगी। यहाँ पर एक टाइगर का बच्चा धीरे धीरे चल रहा होता है, तभी उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है जो कि इस टाइगर को देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। बिल्ली का रिएक्शन देखकर मानो ऐसा लगता है कि बिल्ली की तो बुरी तरह फट गई है।
यहाँ पर एक शेरों का झुंड एक पेड़ पर टके हुए हिरण को उतारने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब ये शेर उस हिरण को चारों ओर से खींचते हैं तो वो हिरण नीचे आने लगता है और उस हिरण के नीचे आने के साथ ही ये शेर भी एक एक करके धड़ाम से नीचे आकर गिरने लगते हैं। खैर जो भी हो, ये सभी शेर नीचे गिरने के बाद अपनी हड्डियां जरूर संभाल रही होंगी क्योंकि बेचारों की एक दो की हड्डियां तो टूट ही गई होगी। दोस्तों छोटा होना भी अपने आप में एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उसे हर कोई धोते रहता है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए जहाँ पर ये बड़ा सा डॉग इस छोटे डॉग को बुरी तरह धो रहा है और बार बार इसके ऊपर हमला कर रहा है। अरे भाई छोटे डॉग को क्यों धो रहा है, दम है तो अपनी बराबरी वाले से जाकर भिड़ना। ये बिल्ली छलांग लगाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद बेचारी की किस्मत में नीचे जाना लिखा था और इसी वजह से ये इस रेलिंग की मदद से मात्र कुछ ही सेकंड में नीचे पहुंच जाती है। बेचारी बिल्ली यही सोच रही होगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ और क्यों। अब भाई जरा इस कछुए को भी देख लीजिए जो कि अपने कछुए साथी के साथ कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद ये उसके साथ मस्ती कर रहा है। लेकिन जो भी हो, इसकी हरकत वाकई में काफी ज्यादा फनी है। ये कुत्ता भी कुछ ज्यादा ही तेज गति से लकड़ी लेकर आ रहा था लेकिन बेचारा यहाँ पर अटक जाता है और इस अटकने के बाद इसके दांत भी चटक गए होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।